नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको थायराइड के लक्षण और इनके घरेलू इलाज बताऊंगी। पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखेंगे कि थायराइड होता क्या है। आजकल थायराइड जैसी जो परेशानी है हर किसी में नजर आती है, बहुत लोग थायराइड से परेशान भी है। थायराइड की वजह से गर्दन में और स्वर तंत्र में काफी तकलीफ होती है। थायराइड की वजह से वजन अक्सर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। थायराइड में आपके गर्दन में सूजन रहती है, भूख नहीं लगती और पसीना काफी ज्यादा आता है। तो ये सारे जो लक्षण है वो थायराइड के है। तो आइए मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताऊंगी जिनकी मदद से आपको थायराइड में काफ़ी आराम मिल सकता है। तो आइए देखेंगे। तो सबसे पहला इलाज मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड के पेशेंट को हमेशा दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का हमेशा सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि थायराइड के पेशेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए थायराइड के पेशेंट जितना ज़्यादा दूध से बनी चीज़ें खाएंगे उनके लिए उतना ही अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपको दूसरा इलाज बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए अदरक। अदरक थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और अदरक का इस्तेमाल मुंह और गले के लिए तो बहुत ही अच्छा किया जाता है। अदरक में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का सेवन रोज़ाना करना है। ऐसा करने से आपको थायराइड में काफ़ी आराम मिलेगा। थायराइड के पेशेंट को हमेशा फल और सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए थायराइड के पेशेंट को हमेशा याद रखना है कि सब्जियों का सेवन और फलों का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है। इसके बाद मैं आपको और एक इलाज बताऊंगी कि थायराइड हमेशा नमक में आयोडीन की कमी से होता है। इसके लिए आपको नमक का सेवन अच्छे से करना है और ऐसा नमक खाना है जिसमें आयोडीन है, पर इतना ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है कि जो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो। इसलिए हमेशा अपने खान पीन में नमक का संतुलन बनाए रखना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से इलाज थायराइड में आराम पाने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।